क्यों रो रही? नहीं तो आंसू अगर छुपा भी लोगी तो आंखों का खालीपन तो सब कुछ बता दो। कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें उससे मोहब्बत? कब तक छुपाओ? और उससे चल उससे छुपा भी लो तो कम से कम खुद तो इतराफ कर ले। क्या इतराफ भाभी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि मैं किसी और की चीज पे मलकियत छुपा रही। किसी और की? तुम्हारा शौहर है और तुम्हें ये एहसास उसे दिलाना चाहिए था। एहसास दिलाया नहीं जाता भाभी, एहसास हो जाता। मुझे एहसास हो गया हर मोहब्बत भी मांगी नहीं जाती, मिल जाती है। मुझे नहीं मिली, रोशनी को मिल गई। नहीं, कभी कभी मोहब्बत भी मांगनी पड़ती, दुआ की तरह। अगर दुआ में शिद्दत हो, ताकत हो, तो वो कबूल हो जाती। मुझे देखो, मेरे सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ देख के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था मुझे। लेकिन क्या हुआ, खुदा की रहमत जीत गई। तुम भी एक बार मांग तो ले। आपने दुआ में अपनी चीज मांगी थी, मैं किसी और की चीज कैसे मांगू? तो क्या सारी जिंदगी इस बोझ के सहारे जियो? नहीं, उमर की मोहब्बत मेरे दिल पे बोझ नहीं है। मुझे इत्मीनान है कि उसे पाने के लिए मैंने किसी चीज का सहारा नहीं लिया, ना सच ना झूठ। तो आज तो बंदा मांग भी ले खुदा से, मोहब्बत ना मांगे अभी किसी बंदे से, ये खुद भीख में मांगने वाली सौगात। उमर, हाँ वो बात करनी है तुमसे जरूरी। बोलो। बोलो माहिन। रोशनी, मैंने तुमसे कहना है कि मैं नीचे दादी के कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ। ये कमरा तुम और रोशनी के लिए मैं बस कर दो, बस कर दो, बस। क्या चाहती हो तुम? मैंने पूछा क्या चाहती हो? और कितने तंबूए सजाना चाहती हो अपने कंधों पर? क्या करूं, क्या करूं मैं? तुम्हारा मसला क्या है? क्या करूं मैं? मैं तुमसे पूछूं क्या करूं मैं? अपने एहसान के बोझ तले और कितना दबाओगी मुझे? बोलो,
बोलो। मेरी कोई बेटी नहीं है, फिर भी मेरे कलेजे को हाथ पड़ रहा है। आपने तो हमेशा उसे अपनी बेटी समझा, फिर आप कैसे? ताया वो इजाजत लेनी थी। जी बोलो बेटा, बोलो। मैं एक दो दिन अम्मी के घर चली जाऊं। लेकिन वो परसों तो। हाँ हाँ बेटा जरूर, हफ्ते भर के लिए चली जाओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। और वैसे भी हम लोग अब काफी बेहतर हैं, यहाँ की फिक्र मत करना। हाँ हाँ थैंक यू। वापसी के बाद मैं दादी के कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं तो खुद चाहती थी कि इस मौके पर वो यहाँ ना रहे, लेकिन ये बात कहने का हौसला नहीं था मुझ में। अच्छा है उसने खुद जाने का फैसला कर। ठीक ठीक सजाना चाहती अपने कंधों पर, क्या करूं क्या करूं मैं? तुम्हारा मसला क्या है? क्या करूं मैं तुमसे पूछो क्या करूं मैं? अपने एहसान के बोझ तले कितना दबाओगी मुझे? वो एक कतरा आंखों से न जाने कब बहना है, वो बदलेगा तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है, वो हक मेरा है, मगर मैं उसे ना रोक पाऊं, जो मेरा हो के भी हुआ मुझसे ही जुदा है। खुश रहे दुनिया तेरी। खुद से ऐसे बिछड़े सजदे किए हैं मैंने, शुक्र किया है तेरा मैं।
बस मान मेरा, जिंदगी अकेली मैं तू ही आसमान मेरा। कहती नहीं देती कि तुम्हें उससे मोहब्बत, कब तक छुपाओ? और उससे जब उससे छुपा भी ले तो कम से कम खुद तो इकरार कर ले। ये आंसू आंसू नहीं है, ये दर्द मेरे बहते हैं, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। मैं गम तुझको ही सुनाऊं, तू ही है सुनने वाला, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। साथ क्यों आए, देखा था जो आंखों ने वो ख्वाब टूटा मिला, जिंदगी ने कैसा ये दिया मुझको सिला, कितना प्यार करते तुझे तुमसे ही छुपाना है, तेरी हर खुशी के लिए इंतहा निभाना है। गमजदा रहे दुनिया तेरी। ओके भाभी, कुछ दिन बाद मुलाकात होती। सुनो, ये कुछ दिन तुम्हारे लिए कर्ब बन जाएंगे, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? हाँ, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा कि मेरी वजह से उमर एक मुस्तकिल एहसास जुर्म में मुब्तला है। मुझे यहाँ पा के तो वो खुश भी नहीं हो सकता, मेरी तरफ देखता है तो बस शर्मिंदा नजर आता है, उसे लगता है मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। कम से कम जिंदगी के इस मोड़ पे मैं नहीं होंगी ना यहाँ, तो अपनी खुशी, अपने प्यार को हासिल करने की खुशी तो मना पाएगा, उसे एहसास तो महसूस होगा। लेकिन माही, तू माही चलो, लेना आया हूँ। ओके भाभी, माही अपना ख्याल।
तुम्हारा मसला क्या है? ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहे हो, ना मुझे कॉल बैक कर रहे हो। तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? सब लोग सुन रहे हैं यार, इधर साइड पे हो। छोड़ मेरा आओ ना। मसला क्या है यार? थोड़ी तमीज भी कोई चीज होती है। और मुझे बताओ क्या जवाब दूं तुम्हारे मैसेज का? मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तुम्हें कितना वक्त चाहिए और? हाँ, तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ सहा है ऊपर? जमाने की बातें, अपनी माँ का दबाव, तुम्हें किसी और को होते हुए देखना, माहीन की नफरत। मुझे अब अपनी आगे वाली जिंदगी में सुकून चाहिए। मुझे सुकून चाहिए। रोशनी, मुझसे जिस हद तक हो रहा है ना, मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक तुम्हारी सुकून की खातिर मैं बाकी सबका सुकून बर्बाद कर दूँ? बाकी सबका सुकून? मेरी जिंदगी, मेरे समझौते जो मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी है, उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा? किस किस के कौन से एहसानों का बदला चुका हूं मैं? सुनो मेरी बात, ठंडे ठंडे दिमाग से सुनो। परसों निकाह है, तुम्हारे पास कल तक कभी वक्त है, तो ऊपर वाला पोर्शन खाली करवाओ ना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी दादी के साथ थोड़ी रहूंगी। मैंने उनका कोई ठेका थोड़ी उठा के रखा हुआ है। जिनकी शर्त उन्होंने लगाई है घर में रखने की, वो ही संभाले ना उनको। नहीं रोशनी, ऐसा मुमकिन नहीं है। उमर मेरी बात सुनो, इस वक्त वो तुम पे डिपेंड करते हैं। तुम अपनी कोई भी बात मनवा सकते हो। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुमने कोई स्टेप नहीं उठाया ना, तो मजबूरन मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। मसलन क्या? मसलन ये कि निकाह के ऐन वक्त मैं निकाह से इनकार कर दूंगी। तुम्हारा ये आखिरी एहसान होगा मुझ पर। हाँ रोशनी, मुझसे नहीं होगा ये। अगर तुम ऐसा कर दो ना, तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। उमर, माहीन, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सामान जरा दादी के कमरे में रख। ये सब क्या है? सामान है, जाओ दादी के कमरे में रख दो। माहीन का सामान दादी के कमरे में क्यों जा रहा है? उमर, दोनों लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में तो रह सकती हैं, लेकिन एक कमरे में तो नहीं रह सकती ना। हाँ। छोड़ दें इसको, हटे आप। भाभी इधर इधर आए ना आप। अरे क्या कर रहे हो? माहीन का सामान कहीं नहीं जाएगा। माहीन, माहीन, माहीन। वो अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ क्यों? और जाने से पहले कह के गई थी कि उसका सामान मैं वहां शिफ्ट करवा। आप लोगों ने उसको जाने क्यों दिया? क्या हो गया तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वो कभी वापस ही नहीं आएगी। और वैसे भी तुम्हारी और रोशनी की शादी के दिनों में उसका यहाँ रहना बेहतर नहीं। उसे तकलीफ भी कम होगी, और उसका कहना भी यही है कि वो यहाँ नहीं होगी तो तुम्हें गिल्ट कम रहेगा। उठाओ, छोड़ दे इसको। बदलेगा तकदीर वो मेरा।
भी तो खुदा है, वो हक मेरा है, मगर मैं उसे ना रोक पाऊं, जो मेरा होके भी हुआ मुझसे ही जुदा है। गम सदा ये दिल दर्द से को ही सुनाऊं, तू ही है सुनने वाला, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। जो उससे नहीं कह सकी वो खुद से तो कह सकती हूँ, अपने आप से तो इकरार कर सकती हूँ कि ना चाहते हुए भी मैं उसे चाहने लगी हूँ। पता नहीं कब, कैसे, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उम्र मेरे लिए सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बन गया। जानती हूँ वो मुझे नहीं रोशनी को चाहता है, लेकिन मैं खुद को उसकी ख्वाहिश करने से रोक तो नहीं सकती ना, उसको चाहने से तो रोक नहीं सकती। आज मैं एक और एतराफ भी कर लेती हूँ, कई बार ऐसा भी मकाम आया जब मेरे दिल ने बेईमान होके सोचा कि उसे कुछ ऐसी हकीकतें बता दूँ जिनको जानने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो सकता है, मगर मैं ये बेईमानी कर नहीं पाई,
इसलिए नहीं कि मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत के बदले सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है। जब उसकी मोहब्बत ही नहीं मेरे नसीब में तो उसके साथ का क्या करूंगी। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि रोशनी के बारे में बता के मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी, और अब मैं खुद चाहती हूं कि तुम ये जान लो कि वो तो कब की रास्ता बदल चुकी है, क्योंकि दिल टूटने के गम से ज्यादा दिल तोड़ने का होता है, वो भी तुम्हारे जैसे मोहब्बतों से बने इंसान के लिए। आज तुम ये जान लो कि तुम और मैं तो मजबूर थे, लेकिन रोशनी, रोशनी ने अपनी मर्जी से रास्ता बदला था तुम्हारे बजाय किसी और को पसंद करके। जिंदगी समझ ना आए कोई समझाए, आई थी तो खुशियां लेकिन गम ये साथ क्यों आए। देखा था जो आंखों ने वो ख्वाब टूटा मिला, जिंदगी ने कैसा ये दिया मुझको सिला। कितना प्यार करते तुझे तुमसे ही छुपाना है, तेरी हर खुशी के लिए इम्तिहान निभाना। कैसा मोनस, क्या लेने आया उमर? माहीन को लेने आया। अब मैं वो सामान ही भेजूंगा। बात तुम्हारे भेजने की नहीं है मोनस, ना ही मेरे ले जाने की है। बात तो ये है कि माहीन साथ जाना चाहती है या नहीं। फैसला तो उसी का है ना? नहीं, फैसला वो दबाव में आके कर रही है और मजबूर होकर कर रही है, और रोशनी ने जो बोतान लगाया है ना उसके सर पर, उसके सच साबित हो जाने के खौफ से वो तुम्हारे घर में एक कोने में बेकार पड़ी रहकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए मैं उसे ये फैसला नहीं करने दूंगा। एक मिनट, रोशनी ने क्या बोतान लगाया? तुम तो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। नहीं मोनस, रोशनी ने इल्जाम लगाया है कि माही किसी और को चाहती है, और वो इसलिए ये सब कुछ कर रही है ताकि उसका रास्ता लाना था ऐसा झूठ बोलने वाले के ऊपर। थैंक यू रोशनी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? इन कर्मों से एक एक करके सारे बोझ उतर गए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, और रोशनी ने ठीक कहा है, वो किसी को बहुत चाहती है, मुझे चाहती है यार, बहुत ज्यादा चाहती है। फिक्र न करना, सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मी, मैं आपको लेने आ रहा हूं। क्या कर रही हो?
सुनो मेरी बात, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम उमर को मुझसे दूर नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ, अगर उमर को तुमसे मुझे दूर करना होता तो मैं बहुत पहले लाखों दफा कर चुकी होती। बहुत मौके थे मेरे पास, मैं उसको सच बता सकती थी कि तुम तो बहुत देर से उसे आवाज़दार हो गई थी। कोर जवाब दे दिया था तुमने मुझे कि उसे को मेरा पीछा छोड़ दे। मैं उसको सच बता सकती थी कि तुम हमारे निकाह के वक्त किसी और से शादी के ख्वाब देख रही थी। बल्कि मैं तब भी बता सकती थी जब तुम्हारी अम्मी ने खुद मुझे कहा कि तुम अपने कजन से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। रोशनी खुद गई थी ना तुम वहां और मायूस हुई तो तब वापस लौटी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया रोशनी, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए ताकि कभी भी जिंदगी में मुझे कोई ये ना कह सके कि मैंने उमर को तुमसे दूर करने की कोशिश की, या सच बोल के या झूठ बोल के या किसी भी तरह। बहुत अच्छा किया जो उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में इतना पागल था, इतना बेवकूफ था कि अगर तुम सच भी बोलती ना तो उसको झूठ ही समझना था। और तुम्हें क्या लगता कि उमर कोई बहुत शरीफ है? उमर ने शादी के बाद ही मुझे मैसेजेस और कॉल्स किए, शादी के बाद है मुझसे किया और शादी तुमसे कर ली। और माहिन तुमने कौन सी दोस्ती निभाई है? तुमने उससे शादी की जिससे मैं मोहब्बत करती थी, धोखा तुम लोगों ने भी मुझे दिया है। अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत किया? मन पागल हो गया? पागल नहीं, आजाद हो गया हूं। फैसला तो मैं यहां पे आने से पहले कर चुका था, लेकिन दिल में एक कसक थी, एक मलाल सा रह जाता कि शायद मैं किसी को धोखा दे रहा हूं। लेकिन मैं, मुझे लग रहा है कोई बोझ उतर गया मुझसे, बहुत बड़ा बोझ। तुम जाओ यहां से, तुम भी आजाद हो जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने तुम्हें कहा जाओ यहां से। पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? हटो पीछे। मुझे मेरी बीवी के साथ बैठ के अकेले में बातें करनी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा हो। तीसरा? हम दोनों एक साथ थे, तीसरी तो ये है। घर चलो, सब घर वालों को पता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो साथ। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, और ये सारी फसाद की जड़ें, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो चलो बेटे। रोशनी पागल हो गई हो तुम? उमर, ये बीवी है मेरी, सुना तुमने? गेट आउट। जानती थी कि एक दफा फिर से धोखा दोगे तुम। शादी के वादे मुझसे क्यों, शादी मुझसे करोगे? तुम्हारी बातों में एक दफा फिर से आ गई मैं, लेकिन उमर तुम्हें इस दफा मैं धोखा नहीं देने दूंगी। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी उमर। हाँ, तेरा धोखा मैं, लेकिन तुम्हें नहीं, खुद को तेरा धोखा, क्योंकि मैं वही से प्यार करता था, तुमसे नहीं। और ये हकीकत अब खुली है। तुम्हारी नीयत खराब थी पहले दिल से, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो कुछ और समझता रहा। दफा हो जाओ तुम यहां से। गेट आउट रोशनी, गेट आउट। Thank you.
जानते हो मैं यही चाहती थी, तुम अगर मेरे पास लौटो तो दिल के हाथों मजबूर होके लौटो, मोहब्बत की वजह से लौटो, किसी से मायूस होके और टूटा हुआ दिल लेके मेरे पास ना लौटो। तुम्हीं ने तो कहा था प्यार में ये भी और वो भी नहीं होता, प्यार में या ये होता या वो।